जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। जी हां दोस्तों, काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या अप्रैल लास्ट या मई में हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल मैं आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूं कि आपका एग्जाम मई में होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसका भी कारण आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। साथ ही एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर भर्ती से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बात करेंगे दोस्तों यहां पर कि सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो कौन सी ट्रेड का होने वाला है। तो बिल्कुल सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। काफी वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगे जिनमें आपको बताया जा रहा है कि अप्रैल में एग्जाम होगा, कई बता रहे कि 15 मई को एग्जाम होगा, कई बोल रहे कि 28 अप्रैल को एग्जाम होगा। तो दोस्तों इन सभी के बारे में मैं पूरा का पूरा आपको विश्लेषण और डिटेल से बताने वाला हूं, और वित्त कारण भी आप लोगों को बताऊंगा, वित्त पूर्व भी आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम क्यों नहीं होगा और कब तक आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, काफी अच्छी वैकेंसी आप सभी को बताए, 1522 पदों का ये रिक्रूटमेंट, और सभी का जो फिजिकल है वो सक्सेसफुली आप लोगों का कंडक्ट करवा लिया गया है। और सभी ट्रेडों के जो कैंडिडेट है अब इंतजार कर रहे हैं रिटर्न एग्जामिनेशन का कि रिटर्न आखिर कब तक होगा, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है 2020 का रिक्रूटमेंट। और नंबर ऑफ फिजिकल पास वाले कैंडिडेटों की बात करें यहां पर तो बहुत ही कम कैंडिडेट फिजिकल पास है। लेकिन बच्चों मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, इसका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो रिटर्न के बेसिस पे होता है, और जो रिटर्न की थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर लेगा टारगेट और सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। पहली बात 2020 का रिक्रूटमेंट है, दूसरी बात काफी कैंडिडेट ऐसे थे जो फिजिकल देने ही नहीं पहुंचे। शुरू के जो फिजिकल के दिन थे उनमें 1-1 हजार कैंडिडेटों को बुलाया जा रहा था, जिनमें मात्र बच्चों 30-35 कैंडिडेट ही फाइनली तौर पर क्वालिफाई हो रहे थे। अभी आप लोगों का रिटर्न के बाद में ट्रेड टेस्ट भी होना है, मेडिकल भी होना है, और फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में होने वाला है। और अच्छी बात है कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया कट ऑफ भी आपकी ऑल इंडिया ही बनने वाली है, मतलब जो 1522 वैकेंसी आपको दिख रही है ये ऑल इंडिया वैकेंसी, स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है, कट ऑफ भी आपकी ऑल इंडिया ही रहने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एग्जाम के बारे में बताऊं, उससे पहले कि यहां पर अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन की टारगेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है, तो बिल्कुल ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म स्पेशल ट्रेड्समैन और ड्राइवर के लिए समर्पित है, जिसमें सारे के सारे लाइव बैचेस आप लोगों के लिए शुरू हो चुके हैं। आप सभी को बताया 2021 का जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का था जिसमें हमने वर्दी बैच चलाया था, जिसका रिजल्ट आ चुका है और 24 तारीख से मेडिकल शुरू हो रहा है, 250+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो बिल्कुल अगर आप टारगेटेड होके ही तैयारी करेंगे तो आपका भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तैयारी सभी करते हैं, लेकिन जिसको पता होगा कि आखिर एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाएगी, क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या चीजें नहीं पढ़नी, उस बच्चे का बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। देखो इसमें आपको आर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस दी जाएगी, जिसमें एक एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा, मैथ आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग आपकी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी, उसके साथ ही आपको रीजनिंग के साथ हिंदी और जीके के सारे टॉपिक डिटेल से और बहुत ही बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लासों के साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासे रहेगी, जो कि आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा ताकि आप शॉर्टली बेहतरीन तैयारी कर सके। दोस्तों आपके स्कोर के लिए आपका टेस्ट आप लोगों का लिया जाता है संडे टू संडे, साथ ही टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी जाएगी जिसे आप अपना रैंक जज कर पाते हैं, साथ ही अपना स्कोर है उसे जंप करवा पाते हैं। उसके साथ ही सब कुछ नए पैटर्न पर है, और अच्छी बात है कि पूरा का पूरा कोर्स आपको मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा है। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे। कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर एग्जाम डेट के बारे में। देखो कुछ कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपका जो एग्जाम था मैंने आपको बताया था कि मई लास्ट में आपका एग्जाम हो सकता है या फिर आपका एग्जाम जून में जाएगा। अब देखो मई में किस कारण आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप सभी को पता है यहां पर आपका 24 अप्रैल से जो आपकी एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल है उसका फिजिकल शुरू हो रहा है, रिजल्ट आ चुका है, और 4 लाख कैंडिडेटों का फिजिकल करवाया जाएगा। कितने कैंडिडेटों का? 4 लाख कैंडिडेटों का। और जो एसएससी का जो रिक्रूटमेंट सेल है उसे भी कुछ लाख, मतलब 50,000 या 60,000 कैंडिडेट दिए गए, इतने कैंडिडेटों का आपको फिजिकल करवाना होगा। तो रिक्रूटमेंट सेल आप सभी को पता है 24 तारीख से लेकर लगभग 1 महीने से 1.5 महीने आपका एग्जाम ये फिजिकल चलने वाला है, तब तक रिक्रूटमेंट सेल बिजी रहेगा, क्योंकि एसएससीडी का फिजिकल सीआरपीएफ के सेंटर में भी होगा, बीएसएफ के सेंटर में भी होगा,
आईटीबीपी के सेंटर में भी होगा, एसएसबी के सेंटर में भी होगा, असम राइफल के सेंटर में होगा। तो सभी सेंटरों में आपका फिजिकल करवाया जाएगा और फिजिकल की वजह से दोस्तों ये 4 लाख कैंडिडेट है, इनका फिजिकल होगा और लगभग मैं आप लोगों को बता दूं 24 अप्रैल से फिजिकल शुरू होगा। तो 24 लगभग आप मई का महीना है वो पूरा मान के चले, आपका जो एग्जाम होने के चांसेज है वो जून लास्ट में है भाई, जून लास्ट में आपके एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेज है। और सबसे पहले ड्राइवर वाले कैंडिडेट तैयार हो जाना, क्योंकि सबसे पहले ड्राइवर वाले कैंडिडेटों का ही फिजिकल होने वाला है, उसके बाद में वेटनरी का होगा और उसके बाद में बाकी की ट्रेडों का एग्जाम करवाया जाएगा। ये बीच का समय आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप को निराश बिल्कुल नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आपने काफी इंतजार किया था, इंतजार के बाद में आपने फिजिकल पास किया था। फिजिकल में पता है दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और फिजिकल पास करना भी एक बहुत बड़ी, यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि काफी ज्यादा कैंडिडेट फिजिकल में बाहर हो गए थे, तो फिजिकल पास कर लिया तो अभी रिटर्न की तैयारी पर फोकस कर लो और आज से लेकर एग्जाम तक 2 महीने आप बेहतरीन तैयारी कर लो। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं आपका एसएसबी में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इससे कम कंपटीशन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अभी आप लोगों का जो एग्जाम है वो जून लास्ट तक जाने का है, तो जून लास्ट तक आप लोगों का एग्जाम है वो एसएसबी कंडक्ट करवा सकती है। साथ ही एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बेस्ट एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी सही और सटीक जानकारी। आपने कौन सी ट्रेड से फिजिकल पास किया है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।